नाश्ते की बिल्कुल न्यू रेसिपी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फटे हुए दूध और आलू से बनाएंगे एकदम नए तरीके का नाश्ता। और इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे 2 से 3 कप आटा। यहाँ मैंने प्लेन चपाती बनाने वाले आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप आटा और मैदा को भी मिक्स करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब हम आटे में आधे छोटे चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरीके से हाथों पे मसलते हुए डालेंगे, जिससे अजवाइन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार या एक चुटकी नमक डालेंगे। नमक से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया आता है। और अब आधे ग्लास नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे। और पानी डालकर हम इसे अच्छे से आटे में डाल करके गूंद लेंगे, जिससे इसका सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को बनाने के लिए आटे में 1 चम्मच तेल या 1 चम्मच घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम हल्के हाथों से मिलाते हुए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, मैंने डो लगा के तैयार कर लिया। और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छे से उबाल लिया है। और अब हम एक पैन गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। और जीरा डालकर हम इसे क्रैक होने देंगे। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे जीरा हमारे जल्दी से ऑयल में क्रैक हो जाएंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 चम्मच अदरक डालेंगे। और इसमें तीखे के लिए 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुनेंगे और ये बिल्कुल नहीं जलेंगे। और अब हम इसमें कलर या फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें फ्लेवर और स्वाद के लिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से प्याज और मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे प्याज हमारे जलेंगे नहीं और मसालों के साथ अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और देख सकते हैं, प्याज को यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। और अब हम इस टाइम पे इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू डालेंगे। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, जिससे इसके एक भी गुठलियाँ नहीं है। और अब हम इसे भी प्याज के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम इस टाइम पे 20 से 25 सेकेंड के लिए हाई कर लेंगे, जिससे आलू हमारे जल्दी भुन जाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आलू को भी अच्छे से भून लिया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1 चम्मच नींबू का रस भी आमचूर पाउडर की जगह ऐड कर सकते हैं। आमचूर पाउडर को हम अच्छे से आलू में स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है यहाँ मैंने। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और अब हम इस पे 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें फटे हुए दूध का पनीर ऐड करेंगे। और पनीर डाल करके हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे छेना या पनीर में सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, मैंने आलू के साथ पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया कलरफुल और फ्लेवरफुल बनके तैयार होगा। और ये जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होगा। और आप देख सकते हैं, मैंने पैन में इसे मिलाते हुए ठंडा कर लिया है।
इस तरीके की चटपटी और हेल्दी रेसिपी आप लंच बॉक्स या बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। और आप देख सकते इस हैं तरीके की रेसिपी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अब हम आटे को चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं आटा भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और अब हम इसे एक बार फिर से हल्के हाथों से इस तरीके से मिलाते हुए चिकना कर लेंगे। और अब हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। आपको जिस साइज का भी बनाना हो पराठा, आप उस साइज का लोई तोड़ लें। और अब हम इसे चकले के ऊपर रखकर अच्छे से गोल घुमाते हुए राउंड कर लेंगे और इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें सूखा आटा लगा करके इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए होल या इस तरीके से हम डो को फैला लेंगे। और अब हम इस स्पैचुला से स्टफिंग ऐड करेंगे। और आप देख ले कि स्टफिंग हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्टफिंग को ठंडा पहले ही कर लिया था। और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए अंदर की तरफ घुमाते हुए स्टफिंग को अच्छे से पैक कर लेंगे। और अब हम पेड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। और आटा लगाकर हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से दबा लेंगे। और अब हम इसे बेलन से हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए बेल लेंगे, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल ही परफेक्ट पराठा का शेप में हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे बेलन से दबाते हुए अच्छे से बेल लिया है और इसका बहुत ही बढ़िया पतला पराठा बना लिया है। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है। और अब यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इस पे पराठा डालेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे या पकने देंगे। इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो पराठा आपका गारंटी है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और आप देख सकते हैं एक तरफ से हमारा पराठा सिक गया है। और अब हम इसे उलटकर पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। और अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। घी डालकर हम इस स्पैचुला से पराठे के ऊपर अच्छे से इसे फैला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे पराठे जलेंगे नहीं। और अब हम दूसरी साइड पर भी घी लगा लेंगे। और घी लगाकर हम फिर से इस स्पैचुला से इसे अच्छे से फैला लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे, जिससे पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और ये अंदर तक सिकेंगे। हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। और अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। और आप देख सकते हैं पराठे हमारे बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बन के तैयार हो गए हैं। और चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया देखिए फिलिंग यहाँ मैंने भरा है और ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो इस तरीके से एकदम सॉफ्ट और मुलायम पनीर आलू स्टफ पराठा आप बच्चों के टिफिन में भी बना करके दें। या आपका जब भी हेल्दी या कुछ टेस्टी सा ब्रेकफास्ट खाने का मन हो तो इस तरीके का पराठा आप झटपट से घर पे बनाएं। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।